हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेहद ही रोमांचक खबर। जी हाँ, भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब से छपनी शुरू हुई थी, जानिए अपडेट क्या है इसकी पूरी। गाइस जैसा ही बता दे आपको, भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है, इसे 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट छापने का अधिकार है। RBI को RBI अधिनियम 1934 के तहत यह अधिकार दिया गया है, जबकि इस अधिनियम का सेक्शन 24/1 इसे 1 रुपए का नोट छापने का अधिकार नहीं देता है। जी हाँ, मुद्रा अध्यादेश 1940 यानी कि करेंसी ऑर्डिनेंस 1914 के नियमानुसार 1 रुपए का नोट भारतीय सरकार द्वारा, जबकि 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी या छपाई की जाती है। ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपए तक का भी नोट छाप सकता है। अतः भारत में 1 रुपए के नोट को वित्तीय मंत्रालय छापता है और उस पर वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि RBI के गवर्नर के। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद भी 2 साल तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली मुद्रा भारत में चलन में रही थी। इस समय रुपए की गणना 16 आनों में होती थी, लेकिन 1957 के बाद इस प्रणाली को बदलकर दशमलव प्रणाली लाई गई और रुपए 100 पैसे में बदल गया। सन 1949 में इसमें राजा की तस्वीर को बदल दिया गया और नोटों पर अशोक स्तंभ छाप दिया गया। जाने भारत की करेंसी कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ये अब जानते हैं कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपनी कब से शुरू हुई। तो बता दें आपको, एक RTI के जवाब में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को RBI ने केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद RBI ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो इस्तेमाल किया जाने लगा। ध्यान रहे कि करेंसी नोटों से अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे नोटों के बाईं तरफ निचले हिस्से पर अंकित कर दिया गया। हालांकि इस RTI के जवाब में RBI ने ये भी बताया कि सरकार ने नोटों पर ये तस्वीर छापने का फैसला कब लिया और इसे कब लागू किया गया, अर्थात किस तारीख को महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोटों पर छापने का काम शुरू हुआ, इसकी जानकारी उसके पास नहीं है। तो वहीं अब आगे आता है कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर किस जगह की है। जैसा कि जान लेते हैं, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये गांधी जी की ओरिजिनल तस्वीर है। ये तस्वीर कलकत्ता के वायसराय हाउस में खींची गई है। सन 1946 के आसपास कैबिनेट मिशन आने के समय गांधी जी तत्कालीन ब्रह्मा यानी कि म्यांमार और भारत के ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में तैनात फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात करने गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद उम्मीद की जाती है कि भारत की करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर कहां से ली गई है और गांधी जी की तस्वीर लगाने से पहले भारत के नोटों पर किस व्यक्ति की तस्वीर लगाई जाती थी। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी रोमांचक खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।